डॉक्टर्स लोगों का मैं बड़े आदर के साथ हर्षोल्लास के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये जो हमें सुविधा हेल्थ लाइब्रेरी की तरफ से जो उपलब्ध हुई है डॉक्टर मालपानी की तरफ से, उन्होंने ये बहुत बड़ी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा ये मिशन है और उस मिशन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारी भावनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए मैं सोचता हूँ कि हम सब तालियों से हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करें उनके प्रति कृतज्ञता। इस मिशन में जुड़ते हुए आज का जो टॉक है, अभी आप तो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी इस में हम अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे, ये बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं समझता हूँ। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये सब्जेक्ट अगर किसी को मालूम है तो भी आप डिस्टर्ब मत हुए, लगता है आपको झपकी लेनी है, जब वो सब्जेक्ट मालूम है तो झपकी भी आप ले सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडी। जिसको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो डिस्टर्ब माइंड से दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, उस वक्त भी आप झपकी ले सकते हो। तो ये सब्जेक्ट हम हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं अपना टाइम दे रहे हैं, इधर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। टाइम एक देवता हम मानते हैं, पूजते भी है उसको, ये लाइफ की बहुत बड़ी बात है टाइम। ये टाइम हम इधर दे रहे हैं एक दूसरे को, तो उस टाइम को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ के प्रति हमारी जो भावना है, क्या क्या चाहते हैं हम, पहली तो बात यह है कि हम बीमार होना नहीं चाहते। बीमार हुए तो जल्दी हमारी रिकवरी जल्दी होनी चाहिए, ये बात दो बातें तो सबके मन में चलती आई है, चल रही है। बाद में अगर बीमारी का इलाज करते हैं तो हमारे इलाज और ट्रीटमेंट में एक ट्रीटमेंट हमारी एक सुरक्षा के साथ इजी वे ऑफ ट्रीटमेंट हमें चाहिए, वो भी श्योर ट्रीटमेंट चाहिए। आज हम डाउटफुल होते हैं डॉक्टर के पास, जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डाउट होता है क्या होगा कैसे होगा, तो हमें ट्रीटमेंट कैसी चाहिए। तो हमें ट्रीटमेंट चाहिए, एक तो ट्रीटमेंट क्या चाहिए, इजी वे ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, कम खर्चे की ट्रीटमेंट चाहिए और उसके साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, आफ्टर इफेक्ट साइड इफेक्ट ये नहीं चाहिए। हो सकता है तो वो ट्रीटमेंट के बारे में हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि अभी मजबूरी से हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के वो ट्रीटमेंट देखनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है, तो हम ये सोचते हैं कि ट्रीटमेंट भी हमारी इंडिपेंडेंट रहे, हम खुद ट्रीटमेंट कर सके, ऐसे कुछ हमें ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो ये सब लोगों के मन में चल रहा है और सब लोगों के मन में चल रहा है, इसका एक कॉस्मिक माइंड बन रहा है। जब कॉस्मिक माइंड बनता है तो वैसे वाइब्रेशंस जो तैयार होते हैं उस कॉस्मिक माइंड से एक सोल्यूशन निकल आता है, ये हमेशा होते आ रहा है। जब भी कॉस्मिक माइंड की बात होती है तब सॉल्यूशन निकल आता है। मैं जैसे बोलता हूँ कभी कभी कि जब रावण की बात चली थी, कॉस्मिक माइंड चल रहा था कि इसे हमें छुटकारा पाना है, तो राम के माध्यम से उसका सॉल्यूशन बाहर आ गया। कृष्ण भगवान के टाइम ऐसे ही हो गया, कंस के प्रति सॉल्यूशन मिल गया कृष्ण भगवान के माध्यम से, कॉस्मिक माइंड चल रहा था। यह बात हमें चाहिए, कौन से हमें छुटकारा चाहिए, या कोई एपिडेमिक आती है, प्लेग की एपिडेमिक है, जो भी है, कॉलरा है, जब एपिडेमिक आती है तो लोग सोचते होंगे उस वक्त कि अरे इसे छुटकारा पाना है, इसे छुटकारा पाना है, कैसे छुटकारा पाना है। सबका कॉस्मिक माइंड बनता है, कॉस्मिक माइंड की एक ताकत बनती है और जिसके जहन में वो ज़्यादा जोर लगा रही है, ज़्यादा जोर से वो सोच रहा है, वो उसका माध्यम बन के ऊपर आता है, उभर आता है और उससे हमें सोल्यूशन मिलता है। तो अभी भी ये बात जो चली है, कॉस्मिक माइंड चल रहा है कि हमें ट्रीटमेंट के बारे में, हमें एक ईजी ट्रीटमेंट चाहिए विदाउट साइड इफेक्ट वाली चाहिए,
नॉन रिस्की चाहिए, नॉन इन्वेजिबल चाहिए, नॉन वायलेंट चाहिए, ऐसे सब ट्रीटमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं। पूरी वर्ल्ड की जनता सोच रही है इस ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसे होना चाहिए। तो इसका एक सोल्यूशन हुआ है, सोल्यूशन सामने आया। ये सोल्यूशन है प्रोफेसर पार्क जेऊ, ये एक साइंटिस्ट है। हम बोले तो साइंटिस्ट, लेकिन बोले तो एक लॉजिकल सेंट भी है। उन्होंने एक सोल्यूशन हमें दिया, पार्क जेऊ, प्रोफेसर पार्क जेऊ। प्रोफेसर पार्क जे ऊ, प्रोफेसर पार्क जे ऊ, एक सॉल्यूशन हमारे सामने, सॉल्यूशन की तरफ सामने आए। उन्होंने एक हीलिंग सिस्टम हमें दी और उस हीलिंग सिस्टम में पूरी दुनिया जो चाहती है वो उस हीलिंग सिस्टम में आ गया। हीलिंग सिस्टम में वो सब बातें आ गई जो हम चाहते हैं। वो सिस्टम, हीलिंग सिस्टम ने जो उन्होंने दी, उसका नाम है सुजोग। ये हीलिंग सिस्टम उन्होंने दिया। इस हीलिंग सिस्टम में हम जो चाहते हैं वो सब आया है। ये हीलिंग सिस्टम ऐसी एक हीलिंग सिस्टम है कि इसमें अभी तक की जो भी अल्टरनेटिव पैथीज इस दुनिया में चल रही है उसका इंटीग्रेशन हुआ है इस हीलिंग। सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसमें वो जितनी भी पैथी है उसको एडवांस फॉर्म में लाया गया इस हीलिंग सिस्टम। और मोस्ट इफेक्टिव वे, मोस्ट इजीएस्ट, इसी तरह से ये सुजोग हीलिंग सिस्टम में ये सब बातों को इंटीग्रेट करके अंडर वन रूप सब इंटीग्रेटेड पैथी, सब अल्टरनेटिव पैथी इसमें इंटीग्रेटेड हुई है। जैसे कि आप अगर मैग्नेटोथेरेपी कोई करते हैं तो पहले ट्रेडिशनल वे में क्या कर रहे थे, बड़े बड़े मैग्नेट ले रहे थे, पैर के नीचे रखना, हाथ के नीचे रखना, डिसीज के उस एरिया में लोकल मैग्नेट अप्लाई करते थे। इस पैथी में अभी क्या है कि एक एडवांस फॉर्म आ गया, अभी बड़े मैग्नेट नहीं, छोटे छोटे मैग्नेट, वो भी बॉडी के ऊपर कुछ नहीं कर रहे, तो सिर्फ हैंड्स और फीट की उंगलियों के ऊपर, टोज और फिंगर्स के ऊपर जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, टोज और फिंगर्स के ऊपर। आप अगर क्रोमोथेरेपी कर रहे हैं, कलर थेरेपी, कोई रंग चिकित्सा कर रहा, तो उसको भी अभी कलर के लिए बड़े बड़े हैलोजन लगाने, कलर के लाइट्स लगाने, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि सनलाइट में कुछ हम लोग बॉटल रखते हैं कलर की, उसका पानी ले रहे हैं। तो अभी ये जो कर रहे थे उसका अभी एडवांस फॉर्म आ गया कि हम सिर्फ ये भी कलर, स्केच पेन के कलर यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में। जो कोई और भी दूसरी जो बातें हैं, जितने भी अल्टरनेटिव पैथी, उसमें भी हम लोग अभी सोच रहे हैं, वो एक्यूप्रेशर को भी एडवांस फॉर्म में लाया गया। इसमें एक्यूप्रेशर, आपको मालूम होगा कि एक्यूप्रेशर बॉडी के ऊपर जो पॉइंट्स रहते हैं उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है, उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। तो एक्यूप्रेशर की लिमिट है खुद की, कोई किसके ऊपर ट्रीटमेंट करता है। अगर लेडीज है, कुछ ऐसे भी पार्ट्स है, तो ट्रीटमेंट करने में लिमिटेशंस आ जाएगी एक्यूप्रेशर में। ये लिमिटेशंस इधर कुछ नहीं होती, क्योंकि इधर हम ट्रीटमेंट देंगे वो हाथ पैर की उंगलियों के ऊपर, एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट हाथ पैर के उंगली के ऊपर। तो देखो कितना एडवांस फॉर्म में आ गया ये एक्यूपंक्चर जो है। एक्यूपंक्चर में बॉडी के ऊपर, बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, सुइयां, नीडल्स, पंक्चरिंग करते हैं बॉडी को, एक्यूपंक्चर साइंस, वो साइंस को भी इसमें लाया गया। अभी एक्यूपंक्चर हम करेंगे वो भी हाथ पैर की उंगलियों के ऊपर, और उसको भी एडवांस फॉर्म में लाया। अभी एक्यूपंक्चर भी नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हम अभी एक्यूपंक्चर नहीं कर रहे, नीडल तो ले रहे हैं। वो नीडल एज एंटीना करके यूज कर रहे हैं, एनर्जी एंटीना, यानी हम सिर्फ टच करेंगे। तो चलो एक्यूपंक्चर के बारे में जो कुछ अभी तक जो रेस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी, कि कौन एक्यूपंक्चर करेगा, कौन करेगा, मेडिकल साइंस, ये वो सब जो रेस्ट्रिक्शन है ये इसमें खत्म हो जाएगी, लिमिटेशंस खत्म हो रही है।
क्योंकि हम एक्यूपंक्चर नहीं बोलेंगे, अभी हम एक्यू टच नीडल बोलेंगे, नीडल करेंगे वो भी एक्यू टच। तो देखो मैंने जैसे बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव पैथीज इन मोस्ट एडवांस फॉर्म एंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म में, ये प्रोफेसर पार्क जेव ने हमें दिए ये सुजोग। अभी एक्यूप्रेशर का जो मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर में भी अभी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे थे वो तो लगाने की जरूरत नहीं, तो प्रेशर हम हाथ पैर की उंगलियों के भी ऊपर लगाएंगे, वो भी कैसे सॉफिस, वो एक नॉन इन्वेजिव नॉन वायलेंट पेन क्रिएट करने के लिए नहीं, पेन रिड्यूस करने के लिए। यस 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 हाँ, इट इज वेरी इफेक्टिव इन क्रॉनिक एंड एक्यूट बोथ द वे, क्रॉनिक में भी और एक्यूट में भी। और अभी तक इतने सालों में जो सूजोग के बारे में जो प्रचार हो रहा है, लोगों में फैल रहा है सूजोग, इसमें हमारा बैड लक है कि सूजोग का जो एडवांस फॉर्म में जो सूजोग है वो अभी तक लोगों के सामने आया नहीं है। इसके लिए क्वेश्चन उठते हैं कि ये क्रॉनिक में काम आएगा, एक्यूट में काम आएगा, नहीं आएगा, कैसे है, ये क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि एडवांस फॉर्म उसका जो है वो अभी तक लोगों के सामने आया नहीं है। उसका एडवांस फॉर्म इतना है कि हम हाथ पैर की उंगलियों के ऊपर ऑपरेशन से जो इलाज किए जाते हैं, जो ऑपरेटिव केसेस है, वो हाथ पैर के उंगली के ऊपर हम जैसे ऑपरेशन एज अ डॉक्टर वी कैन डू इट। किसके हार्ट ब्लॉकेजेस है तो हार्ट ब्लॉकेजेस को अगर ऑपरेशन से जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो रिजल्ट हम इधर ले सकते हैं हाथ पैर की उंगलियों के ऊपर। ऑपरेशन जैसे रिजल्ट, ऑपरेशन में जहां उसकी कॉर्नरी आर्टरी कहां ब्लॉकेज है, हम इसमें ढूंढ के कैसे जाने का है, उसके मार्ग है, इसमें एक साइंस इसका जो है लॉजिक है, उस लॉजिक के हिसाब से हम जाते हैं और तब हार्ट ब्लॉकेजेस हम निकाल सकते हैं। ब्रेन में जिधर हिमाटोमा है, किधर थ्रोम्बोस है, रक्त खून की गुठली जिधर भी है उधर तक हम उस एरिया तक पहुंच सकते हैं। तो देखो कितना इसका एडवांस फॉर्म है, लेकिन अभी तक लोगों के सामने आया नहीं है वो फॉर्म। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि मैंने डायरेक्टली सूजोग का नाम वो इसमें बताया नहीं है, पेपर में भी आपने अगर पढ़ के आए हुए हैं तो मैंने डायरेक्टली सूजोग के बारे में बोला नहीं है, क्योंकि अभी तक का जो सूजोग चल रहा है लोगों के सामने वो सूजोग का एक बेसिक चल रहा है। तो लोगों को लगता है सूजोग हमें मालूम है, वो क्या वो सीड लगाते हैं ना, वो उंगली के ऊपर कुछ लगाते हैं, दाने लगाते हैं, वो सूजोग हमें मालूम है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये सूजोग अभी तक लोगों में आना है कि सूजोग